नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। उत्तराखंड में बीजेपी ने एक तरफ बड़ी जीत हासिल की है, लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी हार गए हैं। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि जब उत्तराखंड में कोई सीएम सीएम रहते हुए अपनी सीट से हारा हो। तो इस वीडियो में हम आपको आज बताएंगे कि अब तक उत्तराखंड में कौन कौन सीएम इससे पहले अपनी सीट हारे हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। उत्तराखंड में इससे पहले मुख्यमंत्री रहते हुए जो अपनी सीट हारे थे, उनमें से पहला नाम है हरीश रावत का। 2014 से 2017 तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे, चार बार सांसद और एक बार विधायक बने हैं। 2014 में धारचूला विधानसभा सीट का उपचुनाव जीतकर सीएम बने थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में वो दो सीटों पर लड़े, धारचूला और यहां पर हरिद्वार ग्रामीण की सीट। हरिद्वार ग्रामीण सीट से हरीश रावत बीजेपी के उम्मीदवार यानी अतीश्वरानंद से 12,000 करीब वोटों से हारे थे। वहीं धारचूला से हरीश रावत बीजेपी के प्रत्याशी राजेश शुक्ला से 2,000 वोटों से हारे थे। उसके अलावा जो अगला नाम है वो है वीसी खंडूरी का। वीसी खंडूरी 2011 से 12 के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे, इससे पहले भी रहे, और 2012 में कोटद्वार सीट से सुरेंद्र सिंह नेगी से करीब 4,000 वोटों से हार गए थे। तो ये कोई पहली बार नहीं है कि जब कोई सीएम सीएम रहते यहां पर हारा हो। इससे पहले आपको बता दें दिल्ली में जो है शीला दीक्षित हार गई थी, या इसके अलावा गोवा के मुख्यमंत्री भी अपनी सीट से हार गए थे। और साथ ही साथ आपको लेटेस्ट अगर एग्जाम्पल दें तो ममता बनर्जी जो है अपनी फेवरेट उनकी जो सीट कही जाती नंदीग्राम, यहां से भी वो चुनाव हार गई थी, लेकिन फिर से मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो दरअसल यहां पे हमारे संविधान में मुख्यमंत्री बनने को लेकर कुछ नियम कायदे कानून है, तो उसको फॉलो किया जा सकता है। जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी यहां पर हार गए, लेकिन हमारा जो अनुच्छेद 164 है ये कहता है कि अगर कोई मंत्री विधानमंडल का सदस्य अगर यहां पर नहीं है तो विद इन 6 मंथ वो जो है चुनकर आ सकता है, यानी कि वो जो है चुनाव जीतकर दोबारा से आ सकता है और मुख्यमंत्री बन सकता है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बात करें तो वो पहले सांसद थी, लेकिन वो कोई विधानमंडल का सदस्य वहां पर नहीं थी, तो जो वो जो है चुनकर आई थी, यानी कि वो एक सीट से लड़ी और उन्होंने चुनाव जीता था और उसके बाद वो मुख्यमंत्री बन गई थी। तो इसी तरह से बहुत सारे राज्यों में इस तरह के घटनाक्रम हुए, तो इसका साफ तौर पर कहने का मतलब ये है कि पुष्कर सिंह धामी के लिए इस तरह से चौंकने वाली कोई बात नहीं है। इस तरह के घटनाक्रम होते रहते हैं और निराश धामी जी यहां पर ना हो, और क्योंकि कुछ भी हो सकता है। और अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बीजेपी आलाकमान अब क्या कुछ यहां पर फैसला लेती है, क्योंकि सीएम की रेस में और भी नाम अब यहां पर आने लगे हैं, तो क्या बीजेपी आलाकमान जो है पुष्कर सिंह धामी को ही यहां पर सीएम बनाए रखती, यानी कि उनको ही दोबारा से मौका देती है, या फिर और जो नाम जिस तरह से सतपाल महाराज, धन सिंह रावत और भी जो नाम यहां पर चल रहे हैं, कोई बताया जा रहा है कि अंदर खाने खबर आ रही है कि कोई विधायक ही यहां पर जो है जो जीता हुआ विधायक है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री बन सकता है। जो भी अपडेट आएगा आपको हम जरूर देंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस तरह की वीडियोस और भी देखनी है तो आप उत्तराखंड तक को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आप @उत्तराखंड तक ये हमारा ट्विटर हैंडल है, यहाँ पर भी आप फॉलो हमें कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।